हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में एमएस ऑफिस 2016 की स्पेशल क्लासेस है, जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एसएस के आपको के साथ थ्योरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेंट पे चलते हैं। इस कंटेंट में सबसे पहले आज एमएस ऑफिस करेंगे हम। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड के बेसिक्स, उसके साथ इसके फाइल एक्सटेंशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले पेज पे ही अपने पीडीएफ की क्वालिटी दिखा देंगे आपको क्या कंटेंट है, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्या होता है? इट इज अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर विच कैन बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, बाउचर, लीफलेट्स, आउटलाइन, रिज्यूम्स, लिस्ट एंड सिंपल वेब पेजेस, जो कि सबसे पहले रिलीज हुआ था 1983 में, ठीक है। और जो जिसका नेम था अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिस सिस्टम। इसका फाइल एक्सटेंशन देख लीजिए, ये है फाइल एक्सटेंशन, यानी कि .docx, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में मिलेगा, जो है फाइल एक्सटेंशन .docx, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका डिफॉल्ट नेम। इसका डिफॉल्ट नेम क्या है? एम एस वर्ड 2016 का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन, ये इसका डिफॉल्ट नेम है। यदि आपको एम एस वर्ड स्टार्ट करना है, यानी कि एम एस वर्ड को लॉन्च करना है, तो उसका मेथड क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वर्ड 2016 में जाएंगे और ओपन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको पेज भी डिस्प्ले करा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कैसे ओपन करना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें भी, ठीक है। एमएस वर्ड 2016 की अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन में सबसे पहला टैब है आपका फाइल टैब, सबसे ऊपर जो होता है क्विक एसेस टूल बार, और जिसको ये जिसमें आपका एमएस वर्ड लिखा होता है डॉक्यूमेंट वन, आप जिसको नेम रहते हैं उसको टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिमाइज, ये मिनिमाइज होता है, ये वाला सिंबल मिनिमाइज का होता है, ये क्लोज बटन का सिंबल होता है, ठीक है, और ये माइनस आपका स्लाइड डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो है आपका रिवन है, रिवन के नीचे ये आपका रूलर है, ठीक है। ये जो स्केल बना है, ये स्केल आपका एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन रूलर है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो ये वाला होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्रॉल बार होता है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। आपकी ये क्लास चल रही है एमएस वर्ड 2016 की, जिसपे आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट विंडो है, नीचे जो होता है इसको आप स्टेटस बार कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो होता है, जो जीरो से लेके 100 तक होता है, ये जूम बटन होता है, ठीक है। जूम कर सकते हैं आप स्लाइड को कितना आपको करना है, ठीक है। ये जूमिंग के लिए है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये जूम है, ठीक है। जूम स्लाइडर होता है, उसके नीचे उसके बगल में होता है व्यू बटन्स, ठीक है। बाकी अब कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स पे। सबसे पहले है कंपोनेंट्स में आपका आता है रिवन टैब, है ना। तो रिवन से स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले द कमांड एंड टूल्स यू नीड टू परफॉर्म द वेरियस टास्क, इट कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज एंड कस्टमाइज टू फिट वर्क स्टाइल, ठीक है। तो रिवन का मतलब क्या होता है? रिवन का मतलब होता है डिस्प्ले द कमांड, ठीक है। कमांड्स को डिस्प्ले करना, जो भी आपके कमांड्स है जिसका एमएस वर्ड में आप यूज करते हैं उसको डिस्प्ले करना, दर्शाना। और टूल्स यू नीड टू परफॉर्म द वेरियस टास्क, जो भी वेरियस टास्क होते हैं उसके टूल्स से परफॉर्म कराना, ठीक है। और एक और काम होता है इसका कि जो मिनिमाइज एंड कस्टमाइज टू फिट द वर्क स्टाइल, जो आपका वर्क स्टाइल है, ठीक है, उसको मिनिमाइज और कस्टमाइज करता है ये, ठीक है। अब शॉर्टकट कीज पे आ जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी जिनको ये पूरे पीडीएफ पढ़ना है उसके लिए मिल जाएगा, शाम को इवनिंग में जो क्लास अपलोड होगी वो पूरा होगा। अब शॉर्टकट कीज पे चलते हैं, तो शॉर्टकट की पे आ गए हैं। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्म कर दें, एमएस वर्ड 2016, एमएस एक्सेल 2016, एमएस पावर पॉइंट 2016 और एमएस एसएस 2016 का मैराथन क्लास, चार मैराथन क्लास मिलेगा इससे थ्योरी का, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो आपके लिए आपके चारों मैराथन क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्टकट की है गो टू के लिए, गो टू यानी कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। गो टू के लिए एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अल्टर प्लस क्यू। क्या होता है? अल्टर प्लस क्यू। ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ, यदि आपको ओपन करना है, ठीक है। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यदि आपको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ओ, सेव करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एस। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। देखिए ये पीडीएफ स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो 27 नवंबर को पेपर हुआ और 30 नवंबर को जो पेपर हुआ
उसी के बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप समझ लीजिए 10 दिसंबर का जो पेपर है, आपको इस पीडीएफ में से 60 में से 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको केवल इस पीडीएफ से, ठीक है। और जो ऑफर प्राइस है वो केवल आज के लिए है क्योंकि आज इसकी लॉन्चिंग डेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोज के लिए। क्लोज के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्लू। और आपको ये पीडीएफ पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस 2016 का कोई कंटेंट पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमने आपको प्रोवाइड किया है तो सपोर्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोज। क्लोज के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्लू। कट के लिए क्या होता है, कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी। ये ऐसे हैं शॉर्टकट की जो आपको मिलने हैं। रिपीट करते हैं, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एफ, क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, एंड सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड करना है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करना है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, यदि एक फॉन्ट साइज को डिलीट वो करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हो जाएगा CTRL प्लस दिस सिंबल फॉर डिक्रीज, और इंक्रीज करना है तो CTRL प्लस दिस सिंबल फॉर इंक्रीज, ठीक है। सेंटर टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, सेंटर टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइंड के लिए कंट्रोल प्लस आर, और कैंसिल किस लिए, स्कैप, कैंसिल करने के लिए स्कैप की होता है। कैंसिल करने के लिए कौन सा की होता है, स्कैप की होता है। अंडू, अंडू रीडू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडू यानी कि कंट्रोल प्लस जेड, रीडू यानी कि कंट्रोल प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, अंडू यानी कि कंट्रोल प्लस जेड, रीडू यानी कि कंट्रोल प्लस वाई। जूम यानी कि जूम देख लीजिए, अल्टर प्लस डब्ल्यू से जूम होता है, अल्टर प्लस डब्ल्यू से जूम होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेविगेट द रिवन विथ वनली द कीबोर्ड, नेविगेट द रिवन विथ वनली द कीबोर्ड। तो सबसे पहले आ जाता है टू यूज बैक स्टेज व्यू, ओपन द फाइल पेज। तो उसके लिए अगर आपको बैक स्पेस व्यू लेना है फाइल पेज को ओपन करके, तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्टर प्लस एफ, अल्टर प्लस एफ। टू यूज थीम्स कलर एंड इफेक्ट, यदि आपको थीम्स कलर इफेक्ट का यूज करना है, सच एज पेज बॉर्डर, ओपन द डिजाइन टैब, उसके लिए यूज करेंगे आप अल्टर प्लस जी, ठीक है, अल्टर प्लस जी। टू यूज फॉर्मेटिंग कमांड, टू यूज फॉर्मेटिंग कमांड, पैराग्राफ पैराग्राफ स्टाइल, और यूज द फाइंड ओपन होम टैब, उसके लिए अल्टर प्लस एच। नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है मेल मर्जर वाला, मेल मर्जर से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू मैनेज मेल मर्ज टास्क और वर्क विद द envelopes एंड लेवल्स टू ओपन मेल मर्जिंग टैब, इसके लिए अल्टर प्लस एम, ध्यान दीजिएगा। टू मैनेज मेल मर्ज टास्क और वर्क विद द envelopes एंड लेवल ओपन मेल मर्जिंग टैब, इसके लिए यूज होता है अल्टर प्लस एम, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एन किस लिए यूज होता है, देखिए जो अल्टर प्लस एन होता है वो यूज होता है टू इंसर्ट पिक्चर, टू इंसर्ट पिक्चर, टेबल्स, पिक्चर्स, सेव, हैडर्स और टेक्स्ट बॉक्स, ओपन इंसर्ट, इसके लिए अल्टर प्लस एन यूज होता है। अल्टर प्लस पी क्यों हो जाए, ये सारे अल्टर वाले हैं टर्म्स चल रहे हैं। टू वर्क विद द पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेंट, स्पेसिंग, ओपन लेआउट टैब, इसके लिए होता है अल्टर प्लस पी, ठीक है। अगर आपको टू टाइप सर्च टर्म और हेल्प कंटेंट, ओपन टेल मी बॉक्स ऑन रिबन, इसके लिए अल्टर प्लस क्यू यूज होता है। नेक्स्ट 3 बचे हैं अल्टर के और, टू यूज स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, प्रूफ सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और ट्रैक एंड रिव्यू चेंज टू योर डॉक्यूमेंट, ओपन द रिव्यू टैब, अल्टर प्लस आर, उसके लिए होता है अल्टर प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऐड अ टेबल ऑफ कंटेंट, टू ऐड अ टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, लेबल ऑफ, ओपन द रेफरेंस टैब, अल्टर प्लस एस, ठीक है। नेक्स्ट है टू चूज अ डॉक्यूमेंट व्यू और मोड, सच एज रीड मोड, आउटलाइन व्यू, ओपन द व्यू टैब, यू कैन जूम, मैग्निफिकेशन एंड मैनेज द मल्टीपल विंडो डॉक्यूमेंट, अल्टर प्लस डब्लू, ठीक है। कुछ अब आपको इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट की, जिसमें कि क्रिएट व्यू और सेव टैब के लिए होता है। यदि आपको ये जो ऐसे हैं कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक नंबर पक्की है केवल इतने आप पढ़ लें। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। देखिए नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन, किसी डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू,
किसी डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो के लिए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस, रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट, यदि विंडो डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट को रिमूव करना है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी या अल्टर प्लस शिफ्ट अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस, या तो अल्टर शिफ्ट और सी यूज कर लो या अल्टर कंट्रोल एस यूज कर लो, एक ही काम होगा, ठीक है। और किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्क विथ वेब कंटेंट एंड हाइपरलिंक्स। आप पीडीएफ की क्वालिटी देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस लेवल का कंटेंट है ये, ठीक है। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, यदि एक हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के। इंसर्ट अ हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, गो बैक वन पेज अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, गो फॉरवर्ड वन पेज अल्टर प्लस राइट एरो, रिफ्रेश के लिए F9, ठीक है। ये हाइपरलिंक्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए फंक्शन की बात कर लेते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। एमएस वर्ड के फंक्शन की बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले गो हेल्प और विजिट ऑफिस डॉट कॉम के लिए F1 होता है फंक्शन की पहला, ठीक है। मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स, मूव टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए F2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीट द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4। नेक्स्ट है चूज गो टू कमांड, होम टैब के लिए F5। गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम F6। चूज द स्पेलिंग कमांड, स्पेलिंग कमांड के लिए F7, या रिव्यू टैब जिसको कहते हैं आप, ठीक है। रिव्यू टैब या स्पेलिंग कमांड को सेलेक्ट करने के लिए F7। एक्सटेंट ऑफ सेलेक्शन F8, एक्सटेंट ऑफ सेलेक्शन F8, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट द सिलेक्शन फील्ड, अपडेट द सिलेक्शन फील्ड F9। नेक्स्ट है सो की टिप F10। गो टू द नेक्स्ट फील्ड, F11। एंड चूज द सेव एज कमांड F12, चूज द सेव एज कमांड F12, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन की का यूज करके क्या शॉर्टकट कीज बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए शिफ्ट और फंक्शन की का यूज है इसमें टोटल, चाहे आप इसमें देख लीजिए शिफ्ट प्लस F1 हो, शिफ्ट प्लस F2 हो, शिफ्ट प्लस F3 हो, F7 हो, शिफ्ट प्लस F12 हो, यानी कि पूरे 12 फंक्शन की का यूज यदि हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो उसके साथ इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता एमएस वर्ड में, ठीक है। तो अगर शिफ्ट वाले क्वेश्चन आए आपके तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनने की पॉसिबिलिटी कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कंटेंट सेंसिटिव हेल्ड और रिवल फॉर्मेटिंग के लिए शिफ्ट प्लस F1, कॉपी टेक्स्ट के लिए शिफ्ट प्लस F2 और चेंज द केस ऑफ लेटर, यदि लेटर के केस को चेंज करना है तो शिफ्ट प्लस F3। रिपीट और फाइंड, रिपीट और फाइंड या गो टू एक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके 27 तारीख के पेपर में आया था गो टू एक्शन, तो गो टू एक्शन के लिए होता है शिफ्ट प्लस F4। नेक्स्ट है मूव द लास्ट चेंज, मूव द लास्ट चेंज के लिए होता है शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है गो टू प्रीवियस पेन और फ्रेम, तो ये होता है आफ्टर प्रेसिंग F6 इसको प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। चूज द थ्रोसर कमांड, चूज द थ्रोसर कमांड, रिव्यू टैब, प्रूफिंग ग्रुप, शिफ्ट प्लस F7। रिड्यूस द साइज ऑफ सेलेक्शन, शिफ्ट प्लस F8। रिड्यूस द साइज ऑफ सेलेक्शन, शिफ्ट प्लस F8। स्विच बिटवीन द फील्ड कोड एंड द रिजल्ट, स्विच बिटवीन द फील्ड कोड एंड रिजल्ट, शिफ्ट प्लस F9। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले ऑफ शॉर्टकट मीनू, शिफ्ट प्लस F10। डिस्प्ले ऑफ शॉर्टकट मीनू, शिफ्ट प्लस F10। एंड गो टू प्रीवियस फील्ड, गो टू प्रीवियस फील्ड, शिफ्ट प्लस F11। गो टू प्रीवियस फील्ड, शिफ्ट प्लस F11। एंड नेक्स्ट वन इज चूज द सेव कमांड, शिफ्ट प्लस F12। चूज द सेव कमांड, शिफ्ट प्लस F12। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।